नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला छावनी से भाजपा के वर्तमान उम्मीदवार अनिल विज की ओर से गोद लिए हुए ऐतिहासिक गांव पंजोखरा साहिब में आज अंबाला छावनी विधानसभा सीट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारो को उस वक्त बहुत बड़ा जन समर्थन मिला, जब यहां भाजपा का स्तंभ समझे जाने वाले गुरविंदर सिंह ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ सिटी को थाम लिया। इस अवसर पर गुरविंदर सिंह पंजोखरा का आभार व्यक्त करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि अंबाला छावनी के जागरूक लोग जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए यहां मिला समर्थन प्रशंसनीय है। चित्रा सरवारा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब भी सत्ता में आती है तो सबसे पहले किसानों पर ही वार करती है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भाजपा की सरकार ने किलो, लाठियों, आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब किसान उनके नेताओं से सवाल करते हैं तो किसानों पर लाठियां चलाई जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से किसानों पर चलाई जा रही लाठियां यही संकेत देती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। चित्रा सरवारा ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। गांव पहुंची है, ज्वाइनिंग हुआ है, झटका दिया आपने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम बड़े खुश नसीब हैं कि एक बहुत बड़े हमारे भाजपा के स्तंभ, एक बहुत बड़े समाज के स्तंभ पंजोखरा साहब जी से हमारे भाई गुरविंदर जी, आज उन्होंने अपने पूरे परिवार, अपनी टीम और साथियों के साथ आज हमारा एक बतौर निर्दलीय कैंडिडेट होते हुए जो आज उन्होंने हमारा फटका पहना, आज हमें समर्थन दिया। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ अंबाला में जो बदलाव जो चाहिए था, जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा था, आज उस बदलाव को और भी इन्होंने मुमकिन अग्रसर कर दिया। गाँव से वाइट वॉश होगा जी, हमें तो लग रहा है कि हो जाएगा, यहाँ पे वॉश आउट होगा गाँव से। गांव में जो है किसानों पर लाठी चार्ज किया गया, प्रोटेस्ट की बातचीत करने के लिए किसान सवाल जवाब के लिए वहां गए थे, लाठी चार्ज किया गया, फोन तोड़े हैं, ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए, काफी किसान घायल हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है, ये भाजपा जब 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 सत्ता में आई है, इसने सबसे पहला हाथ और वार किसान और किसानी पे करा है। 14 में आते ही भूमि अधिग्रहण बिल था, 19 में आते ही वो तीनों काले कानून थे, और आज आप देखिए कि अगर किसान किसी गाँव में आने ना दे, राजनीतिक भाषण के माध्यम से अपनी बात ना रखने दे, तो किसान के ऊपर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया जाता है। और जब ये अपनी बात करना चाहें तो इन पे चाहे कीले बिछाएं, चाहे लाठी, चाहे वाटर कैनन, चाहे आंसू गैस, चाहे गोलियां चला दें, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता है। मैं समझती हूँ कि जो भी ये कर रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे बड़ा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है कोई भी बात। और जो आज ये लाठियां किसानों पर बरसा रहे हैं, ये इन्हें चुनाव में बहुत भारी पड़ेंगे। नहीं, जब मैं गई थी तो किसान आंदोलन के कुछ साथियों ने मुझे सड़क के किनारे रोका, उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने पक्ष की चार बातें रखी। ना तो उन्होंने किसी भी तरह से ये कहा कि हम आपका बिल्कुल समर्थन कर देंगे, ना कोई और बात थी। किसान आंदोलन में जो एक किसान संगठन जो खड़ा हुआ है, वो आज किसानों को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी भी राजनीति या राजनीतिक पार्टी के अधीन नहीं है। और ये उन्होंने हमें तब भी बताया था कि हम हर पार्टी के नुमाइंदे से बात करेंगे। तो बड़े दुख की बात है कि जिन नुमाइंदों के हाथ में डंडा पकड़ाती है सरकार, जिन्हें पुलिस डिपार्टमेंट मिलता है, वो सबसे पहले उसी जनता पे बरसाने लग जाते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।